सरकार को जिन राज्यों में 371 है उसका विरोध भी करना चाहिए अखिलेश यादव। बरेली पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जब भाजपा वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है, कश्मीर से 370 हटाती है, तो जिन राज्यों में 371 लगी है उसका विरोध क्यों नहीं करती। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार बदले की भावना से काम करते हुए आजम खां पर मुकदमे लिख रही है। साथ ही कहा है कि आप लोग सच दिलाने पर जेल भेजा जा रहा है। बरेली पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जब भाजपा वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है, कश्मीर से 369 हटाती है, तो जिन राज्यों में 371 लगी है उसका विरोध क्यों नहीं करती। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा जनता का असल मुद्दे से ध्यान हटाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, इसलिए आजम खान पर 80 मुकदमे दर्ज किए गए, उन पर बकरी चोरी और भैंस चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया। बीच में आता तो बहुत सारे लोग उस दिन भी आए थे, हम आपको धन्यवाद देते हैं, उस दिन भी आप आए और आज जब हमने दोबारा कार्यक्रम दिया, आज भी आप मौजूद हैं, हम आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। याद है कि नहीं याद है आपको? बताओ, हम समाजवादी लोगों ने पुलिस को 100 नंबर दिया और ये हमारे पुलिस के लोग जानते होंगे, कभी कभी हमें हेड कांस्टेबल मिलते थे, वो कहते थे कि अधिकारी हमसे दुखी है, नाराज है, जलन रखते हैं, क्योंकि हम इनोवा में चल रहे हैं, क्या चीन का मंजा आ रहा है, गला काटे दे रहा है। बताओ कहाँ चीन का मंजा रुक गया है, अब तो चीन हमारी सीमा में घुसता चलाया जा रहा है। इसलिए बहुत सारी चीजों को समझना होगा लोकतंत्र में। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो कहते नहीं है। बताओ लोकतंत्र देश में कहाँ दिखाई दे रहा है? कश्मीर में 50 लाख 60 लाख लोग कह दें, कोई आजादी नहीं है उनको, और अगर आज उनके साथ हो रहा है, अगर आप और हम लोग नहीं जागे तो अगला नंबर हमारा और आपका भी होगा। और हमें कोई देशभक्ति का प्रमाण पत्र बीजेपी से नहीं चाहिए, बीजेपी से कोई देशभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए हमें, क्योंकि जिस मिलिट्री स्कूल से हम पढ़े हैं, हमारे साथ के लोग शहीद हुए हैं। बीजेपी के लोग बताओ, अगर तुम्हारे साथ पड़ा हुआ कोई सीमा पर शहीद हुआ हो तो बता दो, एक भी शहीद हुआ हो तो बता दो। हमारे साथ पढ़ने वाले सीनियर जूनियर सीमा पर शहीद हुए हैं, तो ये ना हमें सिखाए कि देशभक्ति क्या होती है, लेकिन देशभक्ति के बहाने पूरा कारोबार आप विदेशी हाथों में दे रहे हो। आप कह रहे थे डिफेंस कॉरिडोर बनाओगे, बताओ डिफेंस कॉरिडोर कहां बनने जा रहा है? मैंने रोड मांगी थी इन्हीं से 5 साल पहले कि फतेहगढ़ कैंटोनमेंट है आपका, ग्वालियर कैंटोनमेंट है, बरेली कैंटोनमेंट है, रानीखेत और लिपू लेक चीन बॉर्डर तक कभी अंग्रेजों ने बनाई थी सड़क। हमने इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहा कि सभी डिफेंस को जोड़ दीजिए, कैंटोनमेंट को जोड़ दीजिए, ये सब फौज हमारी जुड़ जाएगी, और जब कभी हमें जरूरत पड़ेगी चीन से मुकाबला करने की तो यही सड़क हमारे काम आएगी, क्योंकि सब कैंटोनमेंट से जुड़े हुए हैं। लेकिन 5 साल 6 साल गुजर गए, कोई कैंटोनमेंट का पता नहीं, और कह रहे मेक इन इंडिया बनेगा। मेक इन इंडिया कैसे बनेगा जब आप अमरीका से C-17 ले लोगे, अमेरिका से आप अपाची हेलीकॉप्टर ले लोगे, फ्रांस से आप रफेल ले लोगे, रशिया से दूसरे ले लोगे कुछ सामान, और इजराइल का हमें और आपको नहीं पता है कि कितना सामान खरीद लिया। जब आप 4 देशों से सब डिफेंस का सामान खरीद लोगे तो बताओ मेक इन इंडिया और डिफेंस एक्सपो के बाम से पर क्या भारत में बनेगा। इसलिए बहुत सावधानी से रहना नौजवानों, मोबाइल तो मिल गया लेकिन नौकरी और रोजगार नहीं है तुम्हारे हाथ में, और ये सरकार तुम्हारे सपने पूरे कभी नहीं करेगी। अगर मोबाइल पर और व्हाट्सएप पे जो सपने देख लेते हो, जैसे बैटरी मोबाइल की खत्म हो जाती है वैसे भी तुम्हारे सपने डूब जाएंगे भारतीय जनता पार्टी से। इसलिए अगर मोबाइल पे कोई सपने देख रहे हो
तो कोई पूरा करेगा तो लोकतंत्र में समाजवादी लोग पूरा करेंगे। समाजवादियों की मदद करिए आने वाले समय पर और अन्याय से लड़िए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने विधायक सियाराम सियाराम सागर जी विधायक इस क्षेत्र से रहे कई बार। विधायक सियाराम सागर जी इस क्षेत्र का नेतृत्व किया उन्होंने और नेतृत्व करते करते यहाँ के जनता के बीच में रहे, लोकप्रिय रहे और राजनीति में जो जीतना हारना लगा रहता है लेकिन उनका सम्मान जनता के बीच में कभी कम नहीं हुआ। और उसी का परिणाम ये था कि कई बार यहाँ की जनता ने उन्हें सदन में भेजा। सदन में रह करके यहाँ की गरीब की जनता का उन्होंने हमेशा सेवा की, दलितों की, पिछड़ों की, अगड़े रहे हों या हमारे अल्पसंख्यक भाई रहे हों, उनके बीच लगातार बने रहे। आज उनके परिवार से मिलने का मौका मिला और आज बहुत दिनों बाद, क्योंकि वो बीच में नहीं रहे, हम उनको श्रद्धांजलि देने भी आए हैं और उनके सहयोगी साथियों से भी मिलने का और उनसे बात कहने का मौका मिला। गरीब जनता पे एंटी एक्ट में बहुत हैवी जुर्माने लगाए, जितनी उनकी गाड़ियों की कीमत नहीं है उससे क्या? मैं हालांकि रामपुर जा रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार जनता का असली मुद्दों से ध्यान हटाने का काम कर रही है। आप बताइए, रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खान साहब पर 80 से ज़्यादा मुकदमे लग गए। जब मैं जा रहा था तो बताओ सरकार ने बकरी चोरी का मुकदमा लगवा दिया। इससे ज़्यादा बदले की भावना का कोई काम नहीं हो सकता जो सरकार के माध्यम से बदले की भावना के काम हो रहे हों। और फिर जिस बात के बारे में आप कह रहे हो, आप बताइए, गाड़ी से चल रहे हैं, गाड़ी की कीमत नहीं, उससे ज़्यादा आपको जुर्माना देना पड़ रहा है और कई प्रदेश लागू नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहाँ हैं वहाँ पर भी कम कर दिया है जुर्माना। हम तो कहेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी जुर्माने को कम करे, नहीं तो बहुत जल्दी समाजवादी लोग अपनी साइकिल लेकर के और बिना हेलमेट के, क्योंकि साइकिल पे अगर हेलमेट है तो उसमें तो शायद है नहीं कुछ। कम से कम सरकार को इस तरफ देखना चाहिए, जनता को दुखी नहीं करना चाहिए, जनता की मदद के लिए कोई कानून बनना चाहिए। सरकार बदले का भावना से काम कर रही है। कोई बकरी चोरी करेगा, भैंस चोरी करेगा, सवाल ये नहीं है बकरी और भैंस चोरी का, सवाल ये है कि आने वाली पीढ़ी को लिखा बनाने के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी, समाज को नई दिशा देने के लिए यूनिवर्सिटी बना दी। इसलिए सरकार नाराज है कि आपने बच्चों को पढ़ाने के लिए क्यों ऐसी यूनिवर्सिटी बना दी, इसलिए उन्हें मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है। आपने कहा मैं कह रहा हूँ प्रेस के लोगों, आपने नमक रोटी की कहानी बनाई थी, आप कहाँ पहुँच गए होते। हम तो कहते हैं कि आप भी सच दिखाओ और जब सच दिखाओगे तो आप भी जानते हो कि आपका स्थान कौन सा हो सकता है। हाँ, ये बात ये लोकतंत्र में आपका स्थान है, आप भी एक खंबा है लोकतंत्र के, आप भी लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं, सरकार को दिशा देते हैं, सरकार को समय समय पर टोकते हैं। तो आपके खिलाफ अगर हो रहा है तो राजनीति करने वाले तो कुछ भी नहीं है। और जो लोग कह रहे हैं कि 370 हटाने के बाद बताओ वो कानून में बदलाव ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं, कि ज़मीन कोई नहीं ले पाएगा वहाँ पर, ये भारतीय जनता पार्टी को साबित करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जब ये कहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन वन टैक्सेशन, तो हम उनसे कहेंगे बताओ 371 का क्यों कह रहे हो आप 371 का क्यों विरोध नहीं कर रहे हो। उन प्रदेशों में भी आप हटाइए जिन प्रदेशों में इस तरह की धाराएं लगी हुई हैं, जहां पर इस तरह के कानून हैं। और हम तो आपसे कहते हैं, आप तो पड़ोसी हो उत्तराखंड के, चलो हम और तुम ज़मीन लेने चलते हैं, बताओ तुम और हम कितनी ज़मीन ले लेंगे उत्तराखंड में। जब उत्तराखंड में नहीं ले लोगे तो इधर उधर कहाँ ताक झांक रहे हो ज़मीन के लिए। ये बताइए शिवपाल जी की सदस्यता खत्म करने
करने की बात की जाए, वो एक सदन का एक प्रक्रिया है कि कोई व्यक्ति किसे जा रहा है वो सदन देख रहा होगा उसका। एफडीआई वाला बता दीजिए, एफडीआई में तो ये है कि विदेशी सब कुछ आ जाएगा, कुछ नहीं बनना भारत में। हमें याद है यहाँ पर के मंत्री जी थे, उन्होंने कहा निफ्ट बनाएंगे, बरेली में निफ्ट बन गया। अगर निफ्ट नहीं बना आपके यहाँ तो कोई कारखाना लग गया रबड़ वाला, वो कारखाना सीतारमन बताओ, मंजा बनने लगा आपका देसी मंजा। सीतारमन जी ने अभी बड़ा हास्यास्पद बयान दिया, अरे भाई, अरे वो न्यूटन तो सोचो, न्यूटन और वो आइंस्टीन क्या कर रहे हैं, भाजपा क्या बता रही है। क्या चीज देखिए, आप तो बीच में रह रहे हो, आपसे अच्छा कोई समझ नहीं रहा होगा। एक तरफ सरकार किसी को बचा रही है, एक तरफ सरकार किसी को परेशान कर रही है, आप बीच में हो, बरेली वाले हो। रामपुर में क्या चल रहा है वो आप जानते हो, शाहजहांपुर में क्या चल रहा है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अच्छा एक आखिरी सवाल, अरे बीच में रहने वाले को दोनों की पता है। एक आखिरी सवाल, सीतारमन जी ने अभी बड़ा हास्यास्पद बयान दिया है कि वो ओला उबर चलने लगी इसलिए गाड़ी नहीं खरीद रहे। मैं उनको सीताराम करता हूँ। एनजी न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।